सतना के मैहर विकासखंड के ग्राम पंचायत सोनवारी के सरपंच कृष्णाबाई उपाध्याय ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्रमांक 1 पुल्हा अहरी में सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि यहां 50 वर्षों से सड़क का अभाव है। ग्रामीणों को पगडंडी से होकर आना जाना होता है और बरसात के माह में बच्चे इसी कच्चे रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं। बारिश में ग्रामीण फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, वहीं बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरपंच ने पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग जिला कलेक्टर से की है। ज्ञापन सौंपा है जी, माननीय हम कलेक्टर साहब के समक्ष अपने ज्ञापन सौंपा समस्त ग्रामवासियों को लेकर। हमारे यहाँ रोड का भाई रोड नहीं है, जिस कारण हमको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आने जाने में कई समस्याएं होती, लड़के बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। वार्ड नंबर 1 की समस्या ग्राम पंचायत सुनवारी की। दूसरा, जल भराव समस्या ढला मोड़ में विगत वर्षों से जल भराव समस्या बनी हुई है, जिसमें कई गांव वाले प्रभावित होते हैं, आने जाने अवरुद्ध होता है मार्ग। क्या मांग चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं जल्द जल्द इसका निराकरण हो। क्या सब नाम लिखते हैं? उमाकांत उपाध्याय, ग्राम सुनवारी। कितने लोग आए हैं आप ज्ञापन देने? 60-70 संख्या में है हम लोग। कब से परेशान है आप लोग? हम 50 वर्षों से हमारी रोड चालू है, लेकिन किसी निजी कारण बस वो हमको रोड नहीं मिल पा रही। कितनी बार शिकायत की है आपने यहाँ पर? मानिश डीएम साहब को कई बार ज्ञापन दिया, अवगत भी करवाया, हमने चुनाव का बहिष्कार भी किया था समस्त ग्रामवासियों ने पिछली बार चुनाव में। अगर इस पर मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग चुनाव का पुनः बहिष्कार करेंगे। इस बार वोट ग्राम पंचायत की कोई भी वोट मत जाता, वोट नहीं करेगा। अपना सब नाम? उमाकांत उपाध्याय, सोनवारी से लोग आए हुए हैं और अभी ज्ञापन दिए हैं। मैयर सोनवारी गांव में यहां से एक तो इनके रास्ते संबंधी समस्याओं के लिए इन्होंने आवेदन पत्र दिया है और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत डेल्हा के संदर्भ में भी एक आवेदन पत्र आया है और सोनवारी ग्राम पंचायत के लोगों ने NH रोड पे कहीं पानी भर रहा है और उसके कारण रोड और आवागमन प्रभावित हो रहा है। इन सब से संबंधित कई सारे जो उनके स्थानीय स्तर के सड़क और इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेके आज काफ़ी संख्या में लोगों के साथ में आकर और अपनी बात यहाँ पर रखी है। हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच सक्षम स्तर के अधिकारी तहसीलदार साहब या SDM साहब से करा के जो इसमें उचित निर्णय होगा वो लेके और कार्रवाई की। सर, ये कार्रवाई कब तक में हो सकती है, ऐसा कुछ है? ये कार्रवाई के लिए कम से कम हम लोग को यहाँ से भेज के SDM साहब तहसीलदार साहब के जाँच रिपोर्ट आने में 10-15 दिन का समय लगेगा। इन लोग का ये भी कहना है कि पहले कुछ आश्वासन इनको अन्य स्तर से मिले थे या इन्होंने आवेदन पत्र दिए थे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 10-15 दिन में जो भी समुचित कार्रवाई हो सके। सर, वर्षों हो गए हैजा के पड़ा हुआ था डेल्हा गांव में और उधर रोड बनवाने का प्रधान कलेक्टर साहब स्वयं उस रास्ते गए थे, वर्षों हो गए अभी तक वो रोड नहीं बन पाई सर, और क्षेत्रीय लोग सरपंच के ऊपर दबाव कस रहे हैं, इस पर प्रशासन क्या करेगा सर? इस तरह का ये लोग बता रहे हैं कि एक किसी भ्रमण के दौरान वहाँ पे ये बात पता चली थी, तब वहाँ के स्थानीय CSR मत से सड़क बनाने का आश्वासन दिया गया था। हम लोग परीक्षण करेंगे और यदि इस तरह कोई बात या लिखित में कोई उन्होंने दिया है या नहीं भी दिया है लेकिन कोई आश्वासन इस प्रकार का दिया गया था तो इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए जल्दी जो प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई होगी वो और मौके पर सड़क निर्माण जितना जल्दी हो सके वो। धन्यवाद। ठीक है।